नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KM के यूट्यूब चैनल पे। अभी दोस्तों, अभी आज का मैच, आज का वीडियो है DC वर्सेस पंजाब में प्रेडिक्शन देने के लिए, ठीक है। लेकिन कल क्या था प्रेडिक्शन मेरा, जैसे हमारा ट्रैक है उस पर क्या हुआ और कहाँ गलती हुई, कहाँ अच्छा किया, उस पर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमने प्रिडिक्ट किया था कि कहाँ गया मेरा ये, कल दिनेश कार्तिक को 23.5 पॉइंट बनाने थे, ठीक है। तो उसके लिए भाई की तो स्ट्राइक ही नहीं आ रही थी पहले, तो 13 रन तो बनाए, लेकिन 14 बनना थे तो एक कैच करना था या एक स्टंपिंग ऐसा था, लेकिन 13 बनाए तो अपने को दो कैच करवाने थे, तो दो कैच भाई ने कर लिए थे तो अपना काम हो गया था और हम जीत गए थे, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया था क्योंकि बैटवे में ये ऑल्टरनेटिव आउट पॉइंट वाला ऑप्शन नहीं था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आप चले जाओ अंडर में, डुप्लेसिस के अंडर में 26.5, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या हो सकता है, हमने तो 26.5 के अंडर में बोल दिया था, पर इसमें लॉजिकली देखो हुआ क्या, कि RCB के पहले दो तीन विकेट, पहला विकेट गिरा अनुज रावत गिरा, दूसरा कोहली गया, तीसरा मैक्सवेल गया, तो चौथा ये प्रभु देसाई भी जल्दी गया, तो अभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, उसको बनाना ही तो एक एंड पकड़ के बैठना ही था, और फिर भाई के बैट में आने लगे। तो देखिए दोस्तों, हार में भी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और लर्निंग रहती है, तो वो हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग को वो समझना पड़ेगा कैसे क्या हुआ, क्योंकि अभी तक देखो उसका 26 भी हाई स्कोर नहीं है डुप्लेसिस का इस IPL में, पर उस दिन वो चल गया क्योंकि सामने वाला गिरते ही जा रहे थे, तो एज अ कैप्टन ही हैज़ टू डू समथिंग। तो ये तो था एक, लेकिन देखो मैंने आपको ये एक एक्यूमुलेटर दिया है और वो भी अपना एक्यूमुलेटर जिंदा है, ये वाला श्रेयस अय्यर के 28.5 पॉइंट दिए थे मैंने, DK के 23.5 पॉइंट, और अभी ये वार्नर का बाकी है 30.5, ठीक है। अगर ये हो गया तो अपना काम हो जाएगा, बल्ले बल्ले जय माता दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्यूमुलेटर की भी बात, अब बात करते हैं आज के मैच की। अब आज के मैच में मैंने तुरंत ही आपको बहुत बड़ा अपडेट भेज दिया था कि आज के मैच का जो है वो मैच पहले तो किसके बीच में है, DC और पंजाब के बीच में, और ये मैच का स्टेडियम चेंज हुआ है, पहले DY पाटिल था, अब वो जाके चेंज हुआ है, ब्राबोन स्टेडियम में हुआ है, क्योंकि DC के कैंप में बहुत सारे कोविड केसेस हुए हैं और मिचेल मार्श एडमिटेड है कल रात को, तो वो तो आज पक्का नहीं खेलेगा, ठीक है। तो इसी रीजंस की वजह से ये ब्राबन में मैच खेले जाने वाला है। तो ये तो पाटा विकेट रहता है, इसमें पता होगा आपको 200 रन बनते हैं। तो इसमें ये ब्राबन स्टेडियम वाला और पंजाब की टीम और बॉलर और बैट्समैन को ध्यान दे रखते हुए, और DC के बैट्समैन और रोज़ अब ध्यान दे रखते हुए, मैं आपको आज दोनों वनडेक्स बैट में और बैटवे पे और सिमिलरली आपको पैरी मैच पे भी मिल जाएगा, तो उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। बाकी सारी ऐप में भी ये ऑप्शन रहेगी अवेलेबल, जो अलग अलग यूज़ करता है उसके लिए भी ये ऑप्शन रहते ही है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो ऑल टीम्स लाइक हैज़ बीन द ट्रेंड विल ऑप्ट टू चेज इफ गिवन द चांस, दे सीम टू बी मोर कम्फर्टेबल वॉट दे आर वर्किंग विथ और विदाउट ड्यू, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि भाई ठीक है कि सभी सभी टॉस जीत के कप्तान पहले ही बल्लेबाजी कर रहा है, और वो जायज़ भी है ड्यू टू ड्यू, ठीक है। पर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए ना, ये DC वर्सेज पंजाब का, तो उसमें DC बाजी मार गया है, DC 15 बार जीता है और ये 13 बार जीता है अपना PBKS, ठीक है, पंजाब, ठीक है। सॉरी, तो ये था तो अभी तक का कहानी, अब बता देता हूँ कि अपने पास पड़ा क्या है। DC वर्सेस पंजाब वाले मैच में मैंने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है, आप इसके ऊपर चले जाओ,
कहाँ गया टम्बर टोटल रन्स हाँ टोटल रन्स नंबर ऑफ रन्स इन मैच ठीक है, उसमें ही आप 170 पे चले जाओ ठीक है, 170 के ओवर में तो आपको 2.2 गिना मिलेगा ब्रावन स्टेडियम में, दोनों टीम 170 मारेगी ऐसा बोल रहा है तो हो जाएगा ठीक है। मेरे हिसाब से कम्प्लीटली इसमें कुछ और सोचना नहीं है और आप सिंपली जाओगे। अब बैटवे वालों के सर हमें भी बता दो तो आप भी ले लो भाई, बैटवे में है आपके पास ऑप्शन डीसी के 10 ओवर में आपको जाना है 79.9 इस पे जाना है आपको ठीक है, 100% होगा ये 80 रन्स, आप जितना अपनी चड्डी के मुताबिक जा सकते हो जितना आपको जाना हो, लेकिन ध्यान से चड्डी के मुताबिक जाना है ठीक है। तो यही चीज़ आपको पारी मैच हो जो भी आपके जो वैल्यूएबल ऐप है इसकी बैटिंग की ऐप उसमें मिल जाएगी तो आप जा सकते हो दोस्तों ठीक है। और बाकी मैं एक और आपको चीज़ अभी लास्ट में कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ये जो खेल रहा होगा और वो सुन रहा होगा अगर वो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा तो उसको समझ में आएगा, ये बैटवे हो जो भी बैटिंग की ऐप है उसमें आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस आ गया तो इसमें आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन पेशेंस नहीं आया तो आप हर रोज़ हार भी सकते हो ठीक है। तो पेशेंस डेवलप कीजिए, लर्निंग कीजिए, तो इससे आपको मज़ा आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। जैसे पेशेंस मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ आप जीतते हो, अभी मैं सपोज़ एक बैट पहले लगाई मैंने 500 की जीता मैं, फिर तुरंत आप शांति से बैठोगे मज़ा आ रहा होगा आपको, फिर आप दूसरी भी सोच समझ के लगाओगे 500 ही लगाओगे जीतोगे, तीसरी लगाई 500 लगाए जीत गए, चौथी लगाई 500 लगाए जीत गए, पांचवी लगाई 500 लगाए जीत गए ठीक है। इस ऐसे करके पूरी इनिंग, पूरी फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई, दूसरी इनिंग में भी आप मरे और 10-12 बैट आप जीत गए, तो उस दिन आपने 500 500 लगाए 6-7 हज़ार का प्रॉफिट किया और आपने निकाल लिया ठीक है। सपोज अब ये तो दिन हो गया अच्छा वाला दिन, अब मैं आपको बुरा वाला दिन बताता हूँ। अब आप दूसरा दिन हो गया, सपोज आपने पहली बेट लगाई 500 की जीत गए, दूसरी बेट लगाई 500 की वो हार गए, तो तुरंत ही आप देखना आपकी तीसरी बेट होगी ना वो होगी 1,000 की, कि भाई वो हमारे मेरे कल वाले 500 लेके आता हूँ ये 1,000 की, फिर तीसरे चौथे दिन अरे वो 2,000 की, अरे वो 5,000 की, ऐसे ऐसे। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों, तो यू नीड टू बी केयरफुल और उस हिसाब से करना रहेगा आपको ठीक है दोस्तों। तो इसमें लर्निंग लेनी है और जब अच्छे दिन चल रहे हो जब, तो स्टेक थोड़ा सोच समझ के लिया करो, पेशेंस रखा करो, तो इसमें सफलता भरपूर है। अगर आप शेयर मार्केट से कंपेयर करो या किसी फैंटेसी गेम से कंपेयर करो, ड्रीम इलेवन हो या तुम्हारा क्रिक इलेवन हो, अगर आपने इसमें पेशेंस रखना सीख गए जिस दिन, उस दिन आपको किसी की और की ज़रूरत भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आप खुद ही मस्त कर लोगे, मस्त कमाओगे ठीक है। तो ठीक है, जिस दिन हारते हो उस दिन लर्निंग लो, लेसन लो कि मैंने कहाँ गलती की, थोड़ा वो हिसाब से खेलो तो और मज़ा आएगा ठीक है दोस्तों। तो ये एक जो चीज़, ये बैट तो मैं हर रोज़ बताई पर आज जो आपको जो अच्छा वाला एक्सपीरियंस जो मैंने किया है ना, मैं ये लास्ट 3.5 साल से खेल रहा हूँ, तो 3.5 साल तक इसमें टिके रहना तो वो मेरे को भी कुछ एक्सपीरियंस होगा। मैं हर दिन तो नहीं जीता होगा, मैं भी किसी दिन आ रहा होगा, किस दिन क्या करना है, तो वो सब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज भी ये मेरा चालू है तो कहीं ना कहीं मैं जीता होगा, ओवरऑल मैं लॉस सॉरी ओवरऑल मैंने सब जो एक्सपीरियंस गेन होगा और ओवरऑल मैंने कुछ पाया होगा, तब तक तो मैं यहाँ पे हूँ ना। सब लोग क्या करते हैं, 15 दिन में अनइंस्टॉल कर देते हैं, यार ये तो मेरे काम का नहीं ये वो। अरे भाई तुम अंडरस्टैंड करो उसको, पेशेंस के साथ खेलो, सही सोच समझ के खेलो, फिर अगली गेंद में चौका या छग्गा, ओवर अंडर, विन लूज टॉस विन लूज,
टॉस कौन जीतेगा, तो उसमें तुम्हारा थोड़ी लॉजिक है, तो वो तो तुम गलती कर रहे हो तो उसमें हारोगे ही, भले आज जीते हो उस टॉस में, आज कोई टॉस जीता कल कौन जीते, तो ये तो पूरा तुम्हारा इलॉजिकल बात कर रहे हो, और फिर ये तो मतलब ही नहीं है, फिर तुम इसको गाली दे रहे हो तो वो तुम्हारा ही फॉल्ट है। लॉजिकल लगाओ, 10 ओवर में कितने रन हो गए, 20 ओवर में कितने रन हो गए, कौन सा प्लेयर खेल रहा है उसके ओवर अंडर में, उस हिसाब से खेलना चाहिए। अगली बॉल डॉट जाएगी कि नहीं, उस दोनों इनिंग डॉट रहेगी कि नहीं, हाँ एक्यूमलेट में वो सब ऐड कर रहे हो दैट इज़ ओके, वो एक्यूमलेट कर सकते हो आप, लेकिन इसके ऊपर बड़ा अमाउंट नहीं जा सकते दोस्त। तो ये था मेरा, आपको एक ही कहना है, पेशेंस रखना सीखो, ठीक है? ठीक है दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो माफ़ करना, लेकिन मैं आप लोग का सबका भला चाहता हूँ। तो ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भाई लोग यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें और आगे बढ़े, ठीक है, जीवन में। ओके दोस्तों, मूव ऑन, थैंक यू, बाय।